अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका टीचर ज़ाहिद। जैसे कि हम क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट टाइम, जो हमने क्वेश्चन किया था 6.4, आज हम मूव करेंगे 6.5 की तरफ। ठीक है, तो ये भी एक एक क्या वाकई में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, आप ये भी शुरू होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन एट द डिस्टेंस ऑफ, यानी कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इतने डिस्टेंस में, कितने डिस्टेंस पे, अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, अर्थ, या हमारे पास यहाँ पर अर्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है, आर ई, कितना है हमारे पास, आर ई। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये इतना क्लियर नहीं है लेकिन फिलहाल डायग्राम के लिए ये सही है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, आर ई। अब कह रहा है कि अगर इसके अर्थ के सरफेस के हिसाब से अगर मैं इसको डबल करूँ, इसको क्या करूँ, डबल करूँ, यानी कि जितना आर ई वहाँ पर उतना आर ई के हिसाब से मैं इसको क्या करूँ, ऊपर लेके जाऊँ, तो इस वक्त हमारे पास ग्रेविटेशन रिलैक्सेशन कितना होगा, यानी कि हमारे पास रेडियस यहाँ पर क्या हो गया, टू आर ई। रेडियस क्या हो गया हमारे पास, टू आर ई, इसको बराबर ले रहा हूँ किसके, आर के। ठीक है यहाँ तक, यानी कि इस वक्त हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा पार्ट 1 में। पार्ट 2 में ये कह रहा है ट्वाइस अर्थ रेडियस अबव द अर्थ रेडियस सरफेस, यानी कि हमारे पास अब ट्वाइस है, ट्वाइस क्या है, बिल्कुल डबल है, यानी कि एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, अब इसके ऊपर एक और रेडियस ऑफ अर्थ आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हमारे पास कितने अर्थ रेडियस हो गए, 1, 2, 3, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो किसके बराबर होगा, आर ई 3 के बराबर होगा। इसको मैंने नाम दे दिया आर डैश। ठीक है, नोट्स में अलग नाम दिया होगा, आर डबल डैश, आर डैश, कुछ इस तरीके से, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि हमें एक यहाँ पर फाइंड करना है और दूसरा यहाँ पर फाइंड करना है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है, डेटा के मुताबिक सारे कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं, जी ई यानी कि ग्रेविटी जो अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जी डैश, जी डैश यानी कि अर्थ के सरफेस से अबव, यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास आर किसके बराबर है, आर टू के, टू आर ई के बराबर है जी डैश। और जी डैश डबल प्राइम हमारे पास क्या है कि आर ई कितना है हमारे पास, 3 टाइम्स है, ट्वाइस है, ट्वाइस है, तो हमारे पास क्या होगा, आर 3 ई। ठीक है, यहाँ तक ये डेटा है। तो सोल्यूशन क्या है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी ई बराबर है जी एम ई इंटू आर डैश स्क्वायर इंटू ई। आर डैश यानी कि हम अर्थ के सरफेस से अबव हैं, अर्थ के सरफेस के कहाँ है, अबव है, यानी कि अभी हम आर टू में, कहाँ पर है, आर टू में, तो एट द पॉइंट 1 अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, फिर से वही बात जो मैंने कह दिया। ठीक है, तो इस आर डैश की जगह पे जो आर डैश है हमारे पास क्या है, हमारे पास किसके बराबर है, टू आर ई, तो इस आर डैश की जगह पे मैं टू आर ई को क्या करूँगा, पुट करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने पुट किया, टू आर ई इसके ऊपर क्या गया, होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ से मैंने 1 को निकाल दिया, 2 2 से क्या हो गया, 4 हो गया, और ये टोटली जो है मेरे पास वो किसके बराबर है, जी ई के बराबर है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जी ई। अब इस जी की ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9.8, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है, आंसर कितना है कि जी डैश हमारे पास कितना है, 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है उसको निग्लेक्ट करें, ठीक है, गरीब बनते हैं, कहीं पर भी वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, एट द पॉइंट 2 अर्थ रेडियस अबव अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अर्थ सरफेस से डबल हो गया तो उसको नाम क्या दे दिया, डबल प्राइम, तो रेडियस ऑफ अर्थ को भी क्या नाम दे दिया, डबल प्राइम, तो डबल प्राइम हमारे पास किसके बराबर था, 3 ई आर ई के बराबर था, पुट करो 3 आर ई के बराबर, सेम प्रोसेस वही है, 3 3 से क्या हो जाएगा, 9 9 को बाहर निकाल दे तो मेरे पास आ गया 1/9, इसकी वैल्यू क्या है, जी ई, पुट करें, पुट करने के बाद ओवरऑल सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ गया, 1.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब यहाँ पर अर्थ सरफेस में हमारे पास क्या है 9.8, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आया वो वैल्यू हमारे पास क्या है 2.45, यहाँ पर कितना आया 1.08, यानी कि जितना ऊपर हम चलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास जो है ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये है और आपके पास ये है। ठीक है यहाँ तक।